पहले बच्चों थ्योरम 6.7, हम 6.7 थ्योरम्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हमारा स्टेटमेंट क्या है, इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट ट्रायंगल टू द हाइपोटेन्यूज, किसी राइट ट्रायंगल में राइट वर्टेक्स से अपोजिट साइड या हाइपोटेन्यूज पर इफ बी ड्रॉ द परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर आर सिमिलर, तो परपेंडिकुलर के जो दोनों साइड हैं वो आपस में सिमिलर होंगे एंड टू द होल ट्रेंगल एंड टू इच अदर, और ये जो दोनों ट्रेंगल है परपेंडिकुलर के बॉथ साइड के जो ट्रेंगल है होल ट्रेंगल के सिमिलर होंगे एंड सिमिलर टू इच अदर, आपस में सिमिलर होंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका ट्रेंगल ए बी सी में एंगल बी राइट एंगल है, और यहाँ पर राइट की बात हो रही है, यहाँ पर राइट ट्रेंगल ये ठीक है, और हाइपोटेन्यूस ये है, तो ये आपका हाइपोटेन्यूस है। तो इफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द राइट ट्रेंगल ऑन द हाइपोटेन्यूस देन बोथ साइड ऑफ ट्रेंगल ऑफ द बोथ साइड ऑफ द परपेंडिकुलर इज सिमिलर टू होल ट्रेंगल, मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये राइट ट्रेंगल है, राइट वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूस बी ए सी पर परपेंडिकुलर रखा गया है, और इस परपेंडिकुलर के बोथ साइड में टू ट्रेंगल्स ए डी बी एंड बी डी सी फॉर्म हो रहे हैं, और ये दोनों ट्रेंगल होल ट्रेंगल ए बी सी के सिमिलर हैं एंड ईच अदर सिमिलर हैं, और ये आपस में भी सिमिलर है, यही आपको प्रूव करना है। तो परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है, तो यहाँ पर समझ गए बोथ साइड्स, ये परपेंडिकुलर की बोथ साइड ये हो गई और ये हो गई, ये दो ट्रेंगल्स हो गए, तो इन ट्रेंगल ए बी सी में गिवन है एंगल बी 90 डिग्री है एंड बी डी परपेंडिकुलर ए सी है, समझ में आ गया। टू प्रूव ट्रेंगल ए डी बी सिमिलर ट्रेंगल ए बी सी, ट्रेंगल बी डी सी सिमिलर ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल ए डी बी सिमिलर ट्रेंगल बी डी सी, इन तीनों को आपको प्रूव करना है, और इसका यूज जो है हम पाइथागोरस थ्योरम में 6.8 में करेंगे। तो सिमिलरिटी आपने पढ़ लिया है, थेल्स थ्योरम कन्वर्स ऑफ थेल्स, और सिमिलरिटी की तीन कंडीशंस एंगल 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 साइड 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 प्रोपोर्शनल और साइड एंगल साइड प्रोपोर्शनल, तीन चीज़ों का आपने सिमिलरिटी प्रूव करने के लिए तीन क्रिटीरिया आपने सीखा है। और अब हम यहाँ पर थ्योरम 6.7 को चल रहे हैं प्रूव करने, तो इन ट्रेंगल ए डी बी एंड ट्रेंगल ए बी सी, ए डी बी एंड ए बी सी में ये कॉमन आ रहा है और ये 90 है, इधर ये 90 है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, और एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, ये है 90 डिग्री और ये है कॉमन, ठीक है, तो बाई एंगल एंगल ट्रेंगल सिमिलरिटी ए डी बी सिमिलर ट्रेंगल ए बी सी, और ये यहाँ पर प्रूव्ड हो गया, ठीक। अब दूसरे पार्ट में चलते हैं, इन ट्रेंगल बी डी सी एंड ट्रेंगल ए बी सी, तो यहाँ पर ये 90 है, एंगल बी डी सी इजकल टू एंगल ए बी सी, क्यों, ये 90 डिग्री का है, और एंगल सी इजकल टू एंगल सी ये क्या है, कॉमन है, तो बाई ए ए सिमिलरिटी आपको याद है, इससे पहले आपने थ्री एंगल्स इफ ट्रेंगल्स के थ्री एंगल्स इफ थ्री एंगल्स ऑफ वन ट्रेंगल इज इक्वल ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अदर ट्रेंगल देन द टू ट्रेंगल्स आर सिमिलर, बट यहाँ पर टू एंगल है और किसी ट्रेंगल के दो एंगल अगर दूसरे ट्रेंगल के अदर ट्रेंगल के टू एंगल के इक्वल होते हैं तो उस तब भी वो सिमिलर होता है, क्योंकि सम ऑफ थ्री एंगल्स एनी ट्रेंगल विल बी 180, तो अगर आप दो बराबर है दो के तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है, ठीक है, तो बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी ट्रेंगल बी डी सी सिमिलर ट्रेंगल ए बी सी, हैंस प्रूव्ड हो गया। तीसरा पार्ट ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ पर ले लो, अब इन ट्रेंगल इन दोनों को लेना है, तो
तो इन ट्रेंगल ए डी बी एंड ट्रेंगल बी डी सी, तो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। और ये ट्रेंगल इस पूरे के सिमिलर है, तो अगर एंगल ये इस ट्रेंगल का ये एंगल और ये ट्रेंगल ये एंगल, ये दोनों में कॉमन आ रहा है, तो अगर दो ट्रेंगल सिमिलर होते हैं, अभी आप यहाँ पर ये भी देख लीजिए कि ये ट्रेंगल 90 है, ठीक है, अब यहाँ पर ये दोनों कॉमन हो गया, इसमें का ये एंगल सिमिलरिटी को लगाने के लिए आप यूज कर सकते हैं ए डी बी सी डी बी। ये देखिए ये वाला छोटा एंगल इस बड़े के सिमिलर है, तो जब ये इस छोटा वाला बड़े के सिमिलर है तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इस दो ट्रायंगल को लेते हैं ऐसे, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है, ये 90 है और ये 90 है, ये एंगल ये हो गया ये वाला, और जब ये सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग एंगल ये एंगल इस एंगल के बराबर आ जाएगा, तो एंगल ए बी डी इक्वल हो जाएगा सी के, ठीक है, समझ में आ गया ना, ये वाला एंगल, तो ये जो इसका ये वाला एंगल है, ये वाला इस एंगल के इक्वल आ जाएगा बाय सिमिलरिटी, तो एंगल ए बी डी डी इक्वल एंगल ए बी डी इक्वल एंगल बी सी डी, बी सी डी क्यों, ट्रेंगल ए डी बी सिमिलर ट्रेंगल ए बी सी, ठीक है, तो बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी ट्रेंगल ए डी बी सिमिलर ट्रेंगल बी डी सी, हेंस प्रूव्ड।